तो ये जब से लोग कैसे उम्मीद करते हैं कि आप लोग स्वस्थ होंगे मस्त होंगे। मैं आपका भाई अजय सधुआ, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। और मैं आप सबसे बता दूं कि जो कि अखिलेश यादव का जो मैट्रिक्स में चल रहा है, काफ़ी लोग जो कि हाईलाइट में लेके चल रहे हैं और काफ़ी लोग जो कि उन्हें बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, सच्चाई के तौर तक जान नहीं रहे हैं। और उसके बाद कुछ मीडिया भाई हैं जो कि अच्छे से जाँच नहीं कर पा रहे हैं, और कुछ हैं कि अच्छे से ढंग से उसको मतलब दिखा रहे हैं, जो सच्चाई उसको दिखा रहे हैं। और जो कि जब से अखिलेश यादव जी मतलब अखिलेश भाई जो कि जब से विनर हुए हैं बिग बॉस से, उसके पहले भी पॉपुलर थे और अपने वीडियोस का भी अच्छा अच्छा जो कि मैसेज भी दिया करते थे और कुछ इंटरटेनमेंट वाला भी वीडियो बनाया करते थे। तो उसके बाद जो कि बिग बॉस में जो कि गए जब से विनर हुए हैं और तब से उनके पास मतलब पीछे लोग काफ़ी लोग पढ़ चुके हैं। तो मैं आपसे बता दूँ कि अच्छी बात नहीं है किसी को जो मतलब खड़ा हो रहा है और कोई जो अपने हरियाणा का नाम कर रहा है और एक लड़का पूरे मतलब इंडस्ट्री से बढ़ के। और उसके बाद मैं बता दूं कि उन्हें उनकी फ़ैन फॉलोइंग काफ़ी मतलब अपने देश से बाहर भी है, काफ़ी ज़बरदस्त उनकी फ़ैन फॉलोइंग भी है और व्यूज भी काफ़ी अच्छे आते हैं। तो कुछ लोगों को पच नहीं रहा है उनका जो कि स्टार्डम, जो कुछ लोग मतलब उनका स्टार्डम को कुछ लोग पचा नहीं पा रहे हैं, उनको बुरा लग रहा है कि नहीं मतलब कैसे बंदा इतने आगे जा सकता है। तो कुछ लोग गिराने के चक्कर में पड़े हैं, बदनाम करने के चक्कर में पड़े हैं, किसी से नाम उनका जुड़ रहे हैं, तो गलत बात है। जब तक देखिए कोई सच्चाई निकल ना जाए, क्योंकि प्रशासन भी जांच कर रही है और अभी भी प्रशासन को पकड़ी नहीं है, मतलब कि बाद मुलाकात हुआ है लेकिन कुछ लोग कह रहे हैं कि पकड़ के लॉकअप में बंद कर दिया है, हो गया है। अखिलेश यादव ऐसा करता है मतलब जहर का कारोबार करता है, तो ये गलत बात है। और जब तक जाँच ना आ जाए तब तक किसी को जज न किया जाए, क्योंकि प्रशासन है जज करने के लिए और जाँच करने के लिए। और जो कि अखिलेश यादव मतलब भाई ने बोला अभी कि अगर मेरा अगर इतना से भी थोड़ा सा भी अगर मेरा इसमें नाम अगर इन्वॉल्व हो जाता है तो मैं पुण्य ऊपर पूरा लेने के लिए तैयार हूँ। तो जो बंदा फुल कॉन्फिडेंस है, यानी कि मतलब आप इतना ही समझ लीजिए कि जो बंदा इस तरह कर रहा है तो ऊपर फुल मतलब जो कि निर्दोष है, कोई उसमें दिक्कत वाली बात नहीं है भाई। और बंदा बहुत ही मस्त है और वो बंदा खुद इतने अच्छा से कमा रहा था, ऐसा काम क्यों करेगा, सीधी सी बात है। और जब तक जांच ना हो जाए तब तक भाई किसी के नाम को बदनाम करना अच्छी बात नहीं है। और मुझे लगता है कि काफ़ी लोग जो उनके सुख में साथ दे रहे थे, मुझे नहीं लग रहा है कि इस समय उनके उनके सपोर्ट में कोई आ रहा है और अच्छे से कोई वीडियो बना रहा है। तो मुझे उम्मीद है कि जो उनको चाहने वाले हैं भाई ज़रूर उनका मतलब साथ दें, उनका सपोर्ट करें, और जो उनके साथ में रहने वाले हैं वो भी कम से कम खुल के आएँ, इस बात को बोलें। और बस इतना ही बोलूँगा। और मैं तो चाहूँगा इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, ताकि लोगों के पास जाए और कुछ लोग जो अभी घर में बैठे हुए हैं कम से कम वो उनके खिलाफ़ पॉजिटिव वीडियो बनाने की कोशिश करें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।